फ्रेंड नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं रानी श्री ब्लॉग्स। और फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? बढ़िया हो? अपने घर में बढ़िया ही रहना। और सर्दी आ चुकी है और मैंने अपने सिम्बा को भी टी शर्ट पहना दी। आज सुबह पहना दी इसको टी शर्ट। सिम्बा दिखाओ, सिम्बा को मैंने आज टी शर्ट पहना रखी है। देखो, ये देखो, सिम्बा टी शर्ट पहने बैठा है। जादू लग रहा, जादू सिम्बा जादू। और देखो, अब देखेगा नहीं है। तो फ्रेंड्स, ठंड तो अब शुरू हो चुकी है। मैंने भी स्वेटर निकाल लिया है, गर्म कपड़े निकाल लिए हैं। और आज छिक छिक सी आ रही है मेरे को, जुकाम जैसा लग रहा है मेरे को। और कल भी मैंने कपड़े धोए, आज भी मैंने बहुत सारे कपड़े धोए हैं। और पूजा मैंने कर ली है, पूजा मैं जल्दी कर लेती हूँ। पूजा भी मैंने कर ली है और हमने, और ये टीवी हमारा नॉट सिंगलर बताता रहता है, बहुत देर में स्टार्ट होता है। ये इसके कलर भाग गए थे, हमने इसका कलर ठीक करवा लिया है, टीवी ठीक करवा लिया है। बस क्या है कि नॉट सिग्नल दिखलाता है ये है। और तो चलिए, अभी मैं चलती हूँ रसोई में। आप लोग देखिए मैं क्या गरम कर रही हूँ। ये मेरे लोटे में, अब सर्दी आ गई है तो भाई बीपी वाले और शुगर वाले थोड़ा सा अपने आप को ध्यान रखना है, कभी अटैक पटैक पड़ जाए। तो भाई मैं ये लोटे में पानी गरम कर रही हूँ और पानी में डाला है मैंने अर्जुन की छाल, सौंफ, लौंग और दालचीनी। इसका मैं पानी उबाल रही हूँ और अब मैं ये पिया करूँगी। शाम को रोज़ पानी ये पिया करूँगी, बीपी वालों के लिए बहुत अच्छा है। और रात को मैं 20 किशमिश भिगो के रखती हूँ, बीपी वालों के लिए अच्छा होता है। और जो कोलेस्ट्रॉल हो इकट्ठी जमा हो जाता है हार्ट पे, दिल पे, वो ठीक करता है। तो भाई मैं रात को किशमिश भी भिगो के रखती हूँ, धो के और पानी भर के रख देती हूँ। और सुबह उसका किशमिश का पानी भी पीती हूँ मैं और किशमिश खाती हूँ। तो बीपी कंट्रोल में रहता है। और अर्जुन की छाल शुगर वालों के लिए बहुत अच्छा बताते हैं। तो भाई मैंने तो मंगवा रखी है, मैं यही पिया करूँगी। और सिम्बा से थोड़ा सा बातें कर लो आप। सिम्बे सिम्बे, ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। टी शर्ट पहन रखी तूने? नहीं बोलेगा, जुच्चा है। तो फ्रेंड्स, हमारा सिम्बा ना चौथी साल में चल रहा है। तो पहले जो ना सिम्बा की ना ये आईब्रो ना ब्लैक थी, ये भौं जिसको भौं बोलते हैं, ये ना पहले ब्लैक थी, अब ये सफ़ेद हो गई है, अब ये आधी उम्र का हो गया है। तो अब ये छोरा जवान हो गया है। और 70 साल में इंसान बिल्कुल बूढ़ा हो जाता है। और डॉग की 12 साल की उम्र होती है जीने की। तो भाई हमारा सिम्बा चौथी साल में लग गया है, अब इसके फेस पे ना दिखने लगता है। मेरी भाभी आई थी एक दिन, तो मेरी भाभी कह रही दीदी अपना सिम्बा के फेस से ना लगने लगा बेचारा, क्योंकि 7 साल तक ही डॉग जी पाता है। जैसे इंसान 50, 60, 65 साल तक जी पाता है ना आजकल, तो भाई 60 साल ही मुश्किल से पकड़ पाते हैं इंसान। तो हमारा सिम्बा भी ना, भगवान करे इसकी लंबी उम्र हो, मैं तो ये कहती हूँ, बहुत अच्छे से जिए ये मेरे साथ। और मेरे नए घर में भी जावे तो ये खूब अच्छे से वहाँ पर रहे। क्यों भाई भागा फिरेगा फिर ये बड़े घर में? हमने इसके लिए बहुत बड़ा घर बनाया है, भागा फिरा करेगा उसमें? क्यों भाई लाला? तो चलिए मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। और फ्रेंड्स, तो आप लोग अपने घर में ठीक ठाक रहिएगा, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगी। सभी मेरे बहन भाई, बेटा बेटी हैं, चाचा चाची, ताऊ ताई और मेरी जनतावासी, मेरे देशवासी अपने घर में ठीक ठाक रहें, सुरक्षित रहें। तो मेरे चैनल से आगे, मेरे चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छी अच्छी मेरी शॉर्ट वीडियो अच्छी अच्छी देखिए। तो चलिए जी, हम आगे मिलते हैं आपसे।
कभी आगे मिलेंगे, आगे मिलेंगे, आगे भी बनाते रहेंगे वीडियो।